hi and welcome to the best channel on english language linguistics and literature in pakistan you will find here everything that you need before watching do subscribe jahanzeb jahan online thanks asalaamu alaikum and welcome back to my channel so in research today we are studying literature review a very important question or bosari logon ko iskbaarame is yada idea na yoda So, काफी क्वेश्चन हैं जो कि लोगों के माइंड में आते हैं सो लेट्स डिस्कस अबाउट लिटरेचर रिव्यू इसे रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर भी कहा जाता है अब ये बेसिकली क्या लिटरेचर रिव्यू इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर्स, वर्क ऑन स्पेसिफिक टॉपिक यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर उससे पहले क्या लिखा गया यानी आपने ये स्टडी करना होता है इन डिटेल कि ये देखने के लिए कि आपको रिसर्च गैप कहाँ से मिलता है क्या क्या काम है जो उस टॉपिक पे आज तक हो चुका है कौन कौन से आर्टिकल लिखे जा चुके हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड एरियाज के अंदर वो जो आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर कौन सा थीसिस कौन सा आर्टिकल कौन सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं तो जब हमें इन तमाम चीजों का पता होता है तो हम उसमें बड़ी आसानी से गैप भी ढूंढ सकते हैं बड़ी इजीली हम उसके अंदर अपना एक इनपुट भी दे सकते हैं हम उसके अंदर आ, अपनी जो एक डाटा एनालिसिस है उसको उस पर फ्रेम भी कर सकते हैं अब हम इसमें बेसिकली करते क्या है बहुत सारे लोग इस तरह गलती करते हैं कि जो उनका लिटरेचर रिव्यू में जो साइटेशंस होती हैं इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम साइटेशंस को कैसे ऐड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके और भी बहुत सारे तरीके उनको भी डिस्कस करेंगे सो so, लोग क्या करते हैं लोग दे देते हैं रेफरेंस फॉर एग्जांपल किसी एक उन्हें अपने आर्टिकल से रिलेटेड अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ मिल गया जो कि है फॉर एग्जांपल 1985 का अब 85 को गुजरे हुए बहुत टाइम हो चुका है ठीक है 35 टू 37 सेवन ईयर्स इस चीज़ को हो चुके हैं अब अगर आप उसको लेके चलेंगे तो मे बी उसके बाद बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स आए जिन्होंने उस थेरी को रिफ्यूट किया हो चेंज किया हो जिसका बेसिक रिसर्च में हम देखते हैं थेरी डेवलपमेंट होती है थेरी को थेक्टीफाई किया जाता है रिफ्यूट किया जाता है ऑल्टर किया जाता है नई थेरी दे दी जाती है तो रेफरेंस देना फिफ्टीज का सेवनटीज का नाइन्टीज का अब तो इवन ट्वेंटी लाइक ट्वेंटी दो हजार दो का जो आप रेफरेंस देते हैं वो भी इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि एक लंबा गैप एक स्पैन आ चुका है उसके बीच में तो हम इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए नॉट मोर देन टेन ईयर्स पांच साल हो गए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन पिछले दस साल से पुराना आर्ट जो है उसमें क्यूट ना करें हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स को ढूंढ सकते हैं अच्छी जगह पे जाके उसे हम फाइंड कर सकते हैं अब ये चीजें हमें कहाँ से मिल सकती हैं गूगल बुक्स गूगल स्कॉलर्स ये हमारे पास इनके ऊपर हमारे पास किताबें मिल सकती हैं हमें गूगल स्कॉलर के ऊपर हमें आर्टिकल्स मिल सकते हैं अगर आपका रिसर्च गेट और इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स हैं तो आपको वहाँ से आर्टिकल्स मिल सकते हैं एक और वेबसाइट है पी डी एफ वहाँ पर आपको बेशुमार बुक्स मिल सकती हैं बेशुमार आर्टिकल्स मिल सकते हैं तो आप ऑनलाइन रिसोर्स भरे हुए अब रिसर्च उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले होता था कि आपको लाइब्रेरीज जाना पड़ता था अब आपको लाइब्रेरीज जाना नहीं पड़ता आपको सारा कुछ जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल मिलता है रिसेंट रिसर्च से लेके बुक्स तक सब कुछ पब्लिश है तो हमने क्या करना है हमने उन व्यूज को लेना है और उनको यहां पे अपने सामने आ, लोगों के सामने पेश करना है अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कई लोग क्या करते हैं कि दे लाइक दे बिलीव के हमने जो स्टेटमेंट देनी है किसी को कोट करना है दैट शुड बी इन वन सेंटेंस नो दैट कैन हैव सेवरल सेंटेंसेस अगर आप उसकी बात को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो आप बेशुमार सेंटेंसेस लिख सकते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक सेंटेंस में उसे मुकम्मल करना है प्लेजरिज्म में आ जाएगा नहीं आपने उस आर्टिकल को या उस बुक के उस चैप्टर को एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ा अब आप उसे अपने वर्ड्स में जितना मर्जी लंबा एक्सप्लेन कर दें जितनी उसकी डिमांड है एक्सजरेट नहीं करना लेकिन जितनी उसकी डिमांड है अगर आप सेम टू सेम वर्ड्स लेते हैं तो 30 से 40 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी जो अपनी कोटेशन है जिसको आप कोट कर रहे हैं लेकिन वो प्लेजरिज्म में आने का खतरा होता है बेहतर यह कि हम क्या करें हम आर्टिक उस बंदे का जो नाम है उसमें हम यूं करें फ्लां, यानि कि यानी रेंसिक इन 2009 स्टेट्स दैट दैट के आगे हम अपनी वर्डिंग में उसको लिखते हैं हम उसको प्रॉपरली इनवर्टेड कॉमर्स में लेके ही ना चलें सो इससे क्या होता है इससे हमारा प्लेजरिज्म में आने का वो चांस कम हो जाता है अब ये जो आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बड़ा सिंपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना और इसमें रेफरेंसेस uh, को ऐड करना तो वो हम किस तरह कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये अब आपके सामने एक पेज है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अब इसमें फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग तो मैं इसमें लिखता हूँ कोविड लाइक नाइनटीन चूँकि कोविड नाइन्टीन की बात होती रहती है और उसके बारे में हम बड़ा पर्टिकुलर होते हैं सो कोविड नाइन्टीन इज़ न्यूर क्यूरेबल सो येस ऑफकोर्स इट इज़ तो हम कोविड नाइन्टीन को लेके यहाँ चलेंगे अब ये बेसिकली बात मैंने कहीं से ली मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ कोविडीन के ऊपर अब ये किसी ने तो ये बात कही होगी रिसर्च में मैं अपने वर्ड्स नहीं दे सकता मैंने वही वर्ड्स देने जो कि मैं कहीं से सुनता हूँ पढ़ता हूं तो मैंने उनका एक प्रॉपर रेफरेंस देना है तो आप ऊपर जाएंगे यानी रेफरेंसेस के सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर आप देख सकते हैं रेफरेंसेस का सेक्शन है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपने कौन सा लेना है एपीए लेना है शिकागो लेना है एम एल ए लेना है हम ए पी ए ले लेंगे जितना आपका ऑफिस अपग्रेडेड होगा उतना एपीए भी अपग्रेडेड होगा वहां से मैं जाऊंगा इंजर्ट साइटेशन में सो so, ये साइटेशन में मैं चला गया यहां पे यहां पे करेंगे आप सो so, जब आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया तो वो आपसे एक तरह से एक, आ, हो जाएगा। अब इस में आपने बताना है कि ये इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं उसके पीछे क्या क्या डाटा आप एंटर करेंगे सो so, हमने बेसिकली हमने ये एक से लिया सो so, बुक का ऊपर हम उसे क्लिक कर देंगे बुक नीचे हम हमने देना है ऑथर का नाम सो so ऑथर का नाम फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट्स जॉन कीट्स मैंने यहां पे लिख दिया डॉक्टर जॉन कीट्स होगा कोई सो डॉक्टर जॉन कीट्स का मैंने नाम लिख दिया ही मे बी असंटिस्ट ड्यूरिंग कोविड 19 अब नीचे हमारे पास टाइटल सो बुक टाइटल अब जो बुक का टाइटल है उसमें हाउ टू क्योर कोरोना वायरस सो कोरोना वायरस को कैसे क्योर किया जा सकता है ये हम उसमें इसका टाइटल बता दिया टू ट्वेंटी की ये बुक थी यानी इसमें आई हम ये सपोज कर रहे हैं लाहौर से ये पब्लिश हुई और जो इसके पब्लिशर हैं से ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन हाउस है सो ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड उक्स, पब्लिश पब्लिकेशंस कह सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा एक कंप्लीट हो गया हमने ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको ओके कर देना सो बेसिकली ये आपने एक बुक का रेफरेंस दिया ये अब आपके सामने इस तरह आ जाएगा किट्स खोमा ट्वेंटी ट्वेंटी जो आपने रेफरेंस दिया एज इट इज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लिया ये आपका एक रेफरेंस जो है या साइटेशन सेव हो चुकी है पीछे हम आगे चलते हैं जिस तरह हम लिखते हैं कि पाकिस्तानी जो है लाइक डॉक्टर्स सो पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर फाइटिंग एंड असरदे इसलिए हाथ थोड़े से विद कोविड नाइन्टीन सो so, पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोविड नाइन्टीन से फाइट कर रहे हैं अब ये भी बात मैंने किसी एक आर्टिकल से ली फॉर एग्जांपल कहीं से मैंने ये लिया डाटा आप देख रहे हैं जॉन कीट सुपर लिखा हुआ खुद ही आ गया सो so, एक रेफरेंस हमारे पास है अब यहाँ पे बुक में अगर हम दोबारा जाते हैं कई बुक्स ऐसी होती हैं जो कि एक ऑथर ने नहीं लिखी वो एक से ज़्यादा नहीं लिखी होती हैं तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर जाके एडिट में जाएंगे

बी को मिडल में भी ला सकते हैं सो so ये पी बी शली ये इसके साथ सेकेंड ऑथर आ गया हमने इसको भी ऐड कर दिया ओके okay कर दिया अब ये हमारे पास दोनों ऑथर्स का ऑल टुगेदर उसने उसका नाम इनिशियल्स वगैरह सेट कर दिए अब हम अगेन उसी तरह बुक का टाइटल देंगे जिस तरह हमने पहले किया ये सेम वही रूटीन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ये दे देंगे कि ये बुक कब पब्लिश हुई 2020 में हुई इसका सिटी कौन सा था सिटी में हम कोई भी सिटी लिख सकते हैं हम इस्लामाबाद लिख देते हैं सो so इस्लामाबाद और पब्लिशर कौन थे पास एक और इन्फॉर्मेशन सेव हो गई शली आगे कोविड 19 2020 आप इसे एडिट भी कर सकते हैं ट्वेंटी 2020 भी आ जाएगा जब आप इसकी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी मैनुअल एडिटिंग खुल जाएगी सो so, आप उसे ए के मुताबिक जिस तरह भी आप ढालना चाहें आप उसे आराम से ढाल सकते हैं सो so, ये हमने दो बुक्स के रेफरेंस दिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाइक एक सिंगल ऑथर के साथ एक डबल ऑथर के साथ सो वी शुड स्टे इन साइड एंड फाइट इट सो करोना वायरस के लिए हमें दो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ गया आपके सामने सो करोना वायरस के हवाले से यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ जर्नल आर्टिकल पे कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा ऑनलाइन सो ऑनलाइन आर्टिकल का मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा हवाला दूंगा अब ऑथर के लिए अगेन ये करेंगे दो ऑथर होंगे तो हम ऐड पे चले जाएंगे एडिट पे वरना सिंगल के लिए हम यहीं पे लिखेंगे सो फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्स वर्थ ने बड़ा काम किया कोरोना uh, वायरस पे <laughs> ये हम सपोज कर लेते हैं सो so, टाइटल हमने दे दिया इसका टाइटल में आएंगे द ट्वेंटी डिजीज और ये बेसिकली uh, हमने इसका बुक का ये आर्टिकल का टाइटल दिया अभी आर्टिकल जो है ये किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ आर्टिकल्स होते हैं ना मुख्तु आर्टिकल्स आपने लिखे किस एक खास जर्नल के अंदर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन ऑनलाइन है या लाइक जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है किस में है सो हम यहाँ पे उस जर्नल का नाम देंगे सो यहाँ पे द इनक्योरेबल डिजीज इसके नाम से शायद कोई जर्नल फॉर एग्जाम्पल पब्लिश हुआ तो ये हमने उसका नाम दे दिया यहाँ पे ये यह, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ तो ट्वेंटी नाइन्टीन में हमने ये इसका लिखा पब्लिकेशन डेट पेजेस

अब आपके पास तीन रेफरेंसेस सेव हो गए यहां पे देख लें कीट्स कीट्स जॉन एंड चेली एंड वर्ड्स आप एड न्यू सोर्स पे आएंगे अब यहां पे बेशुमार आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे जर्नल को आप यहां पे इसी तरह देखेंगे आप डबल ऑथर्स को भी ले सकते हैं नीचे आर्टिकल्स एंड पेरॉडिकल भी हो सकता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं रिपोर्ट्स भी हो सकती है वेबसाइट्स भी हो सकती हैं डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेबसाइट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हो सकते हैं आर्ट हो सकती है फिल्म हो सकती है वेबसाइट के ऊपर अगर हमने जाना है कोई डाटा आप वेबसाइट से भी ले लेते हैं सो so, वेबसाइट का भी यह दो ऑथर्स होंगे तो एडिट में जाएंगे सिंगल के लिए आप यहीं पे लिखेंगे तो आप एक सिंगल ऑथर के हवाले से जो भी आपका एक नेम है वो यहाँ पे आप सिंगल ऑथर के अंदर ऐड कर देंगे सो so, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यासर उस्मान ये मैंने ऐड कर दिया वॉज अ सिंगल ऑथर अब वेब पेज का नाम क्या है देखें गूगल एक वेबसाइट है उसके जब आप मजीद उसमें डाटा ढूंढते हैं तो मुख्तलिफ वेब पेजेस खोलते हैं सो वो हमने किस वेब पेज से डाटा लिया हमने वो बताना है कि उस वेब पेज का नाम क्या था यानी वो पर्टिकुलर पेज कौन सा था जो किसी एक वेबसाइट से हमने रिट्रीव किया तो वहाँ पे हम कोई भी जो भी यहाँ पे तो हम फिक्टिशियस दे रहे हैं क्योंकि हम कोरोना वायरस पे आर्टिकल लिख रहे हैं सो कोरोना इज़ यहाँ पे कोरोना इन चाइना सो यहाँ पे चूँकि चाइना से स्टार्ट हुआ और uh,

आप बिब्लोग्राफी में जाएंगे तो बिब्लोग्राफी में आप जाके नीचे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे के सारे जो डेटा है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज यानी एक प्रॉपर एपीए के फॉर्मेट में वो डाटा आ जाएगा आप उसका फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं आप उससे रीशफल भी कर सकते हैं तो एक बड़ा सिंपल तरीका था इसको बनाने का ये, साइटेशन ऐड करने का और इसको लाइक आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो वर्ड इट सेल्फ ऑफर्स यू अलॉट सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप आराम से इस तमाम प्रोसेस को ऐड कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और आप इसे ये आपका सेव भी रहता है यानी आपने एक रिपीट करना है आर्टिकल तो आप सेम टू सेम ऊपर से साइटेशन उठा लें वही आपकी साइटेशन जर्नल से है आर्टिकल से वेबसाइट से वो रिपीट हो जाएगी सो so आप इसके अंदर बेशुमार एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं आप एम एल ए पर भी जा सकते हैं शिकागो पे भी जा सकते हैं ए पी ए पर भी जा सकते हैं जैसा मैंने बताया जितना आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेटेड होगा उतना उसके अंदर ये एम एल ए शिकागो और ए पी ए ये सारे के सारे भी अपडेटेड होंगे नए नए एडिशन इसके अंदर शामिल होते रहते हैं अपडेट होते रहते हैं सो दिस इज द इजिएस्ट वे आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप एक प्लान कर लें पहले लिटरेचर रिव्यू को कि आपका क्या क्या वो एक स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे क्या क्या आपके टॉपिक्स की सब हेडिंग्स बनती हैं उन हेडिंग्स जो कि आपके उस प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं उनके नीचे फिर आप अपना जो एक मौक़ है यानी जो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप लिखते जाते हैं और साइटेशन के साथ उसे प्रूव करते जाते हैं टेंटेटिवली तो ये होना चाहिए कि आपका हर नया आइडिया उसे आप साइटेशन के साथ ऐड करें उसके साथ साइटेशन होनी चाहिए उसे सपोर्ट करने के लिए हर नई डिटेल को साइटेशन सपोर्ट करती हो सो so, ये एक बहुत सिंपल तरीका था इसको लिखने का अब आप इसको सामने रखते हुए किसी का भी आर्टिकल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो जो एक बनी है वो इसी तरह बनी है कि वो जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को साथ साथ बैक किया जा रहा है साइटेशन के जरिए और एंड में आप रेफरेंसेस दे सकते हैं सो आई होप ये आपको बहुत मजा आया होगा देखने का टेक्नोलॉजी सीखने का वैसे मज़ा आता है और ये तो वैसे ही इट्सल्फ बहुत आसान है सो so आप सम ऑफ यू मस्ट हैव कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते रहे लेकिन आपको इस शायद टूल का नहीं पता सो so अगर नहीं पता तो इज़ ऑलवेज अ डे फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स मे बी इट इज़ टुडे, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर लव्ड वंस